हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ निशिकांत भाटिया, आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं रियलमी 9 प्रो प्लस का स्टारी मोड टेस्ट करने वाला हूं। जब मैंने ये फ़ोन लेने का सोचा तो मैं इसके नाइट मोड के लिए हमेशा से क्यूरियस था कि कैसा इसका नाइट मोड हो सकता है। आफ्टर टेस्टिंग दिस फोन मुझे पूरी श्योरिटी हो गई कि इसका नाइट मोड अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर जो मेन कैमरा का सेंसर है, दैट इज सोनी IMX766, वो एक्चुअल में गुड सेंसर है लो लाइट के अंदर। और अगर रियलमी के AI के साथ में इसको मैच कर दिया जाए, प्लस थोड़ी सी खुद की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, तो ये काफी अच्छे फोटोग्राफिक रिजल्ट्स दे सकता है आपको। आज इसी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसका स्टारी मोड टेस्ट आउट करने के लिए। इससे पहले हम लोग स्टारी मोड टेस्ट करें, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देता हूँ कि स्टारी मोड काम कैसे करता है। अब जब हम बेसिक DSLR या फिर मिररलेस से कैप्चर करते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी, स्टार्स कैप्चर करते हैं, मिल्की वे कैप्चर करते हैं, तो उसमें हमें शटर स्पीड को लॉन्ग रखना पड़ता है, अराउंड 30 सेकेंड या 20 सेकेंड या 15 सेकेंड, जिसके अंदर हमारे अच्छे खासे स्टार्स, मिल्की वेज, एवरीथिंग कैप्चर हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शटर होता है, किसी तरह का मैकेनिकल शटर नहीं होता है। अनलाइक DSLR एंड मिररलेस कैमरा, मोबाइल फोन में हम लोग ज्यादा टाइम तक शटर को ओपन करके नहीं रख सकते। बाय द वे, मैंने सारे के सारे फीचर्स इसके ऑलरेडी दिखा रखे हैं एक वीडियो के अंदर, इससे पहले वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल कैमराज के अंदर जो लॉन्गेस्ट शटर स्पीड होती है वो 30 सेकंड्स तक होती है। अगर आपको 30 सेकंड्स के बाद में भी अपना शटर को ओपन करके रखना है और ज्यादा लाइट इनटेक करनी है, तो उसके लिए आपको बल्ब मोड पे स्विच करना पड़ता है। बल्ब मोड में क्या होता है, बल्ब मोड में आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी देर तक चाहे शटर को ओपन करके रख सकते हो, एज लॉन्ग एज आपकी बैटरी सपोर्ट करे। इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट शटर स्पीड है वो है 32 सेकंड्स की। 32 सेकंड्स के बाद भी अगर आपको ज्यादा लाइट इनटेक करवानी है कैमरा सेंसर के अंदर, तो उसके लिए आपको बल्ब मोड पे स्विच करना पड़ेगा, जो कि इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई रियलमी ने इंट्रोड्यूस किया था इसके अंदर स्टारी मोड। स्टारी मोड में क्या होता है, कैमरा कैप्चर करता है इमेज को कुल 4 मिनट तक। 4 मिनट के लिए आपको अपने कैमरा को एक जगह पर रखना होता है स्टडी, और बिल्कुल भी मूव नहीं करना होता उस जगह से। और उन 4 मिनट्स के बीच में जो रियलमी 9 प्रो प्लस है या रियलमी के जितने भी फोन्स हैं जिनमें स्टारी मोड्स अवेलेबल है, वो कैप्चर करते हैं मल्टीपल लॉन्ग एक्सपोजर्स। एंड विद इन दिस 4 मिनट्स एक प्रोसेस चलता है इमेज क्रिएशन का, जिसमें रियलमी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरा दोनों मिलकर एक ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाइट इनटेक हो रख सके और कोई भी ऐसा एरिया ना हो जो कि ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड लगे। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि स्टार्स हमको तभी विजिबल हो सकते हैं जब लाइट पोल्यूशन मिनिमम होगा, यानी कि सिटी के आउटस्कर्ट्स पे, माउंटेन्स पे स्टार्स मैक्सिमम विजिबल होने के चांसेस है। लेकिन फिलहाल मैं अभी अपने घर पर ही हूं, मैं सिटी में हूं, तो स्टार्स जितने भी विजिबल होंगे 4 मिनट के स्टारी मोड के अंदर, वो आपको मैं दिखाने वाला हूं अनएडिटेड इमेज यहां पर। तो अपने फोन को स्टेबिलिटी देने के लिए मैंने यूज किया है 3PORT का, जो कि हमारा अपना प्रोडक्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इस वक्त जो बाहर का मौसम है वो थोड़ी बहुत हवा चल रही है, ड्यू टू विच फोन के हिलने के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। यहीं पर रोल प्ले करता है OIS, Realme 9 Pro Plus का एक और फीचर कैमरा का, जो कि इमेज को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ऐसे सिनेरियोज के अंदर जहां पर आपको 4 सेकंड तक इमेज कैप्चर करनी है फोन को बिना हिलाए, और वहीं पर हवा चल जाए और हल्का सा कैमरा शेक आकर भी आपकी इमेज को ब्लरी कर सकता है, सो उस केस के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, जो कि कैमरा को स्टेबल रखने का काम करता है माइनर शेक के दौरान, उसका रिजल्ट कैसा आएगा वो भी हमें स्टारी मोड के टेस्ट के दौरान देखने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर डू मैं आपको सीधा दिखाता हूं स्क्रीन Realme 9 Pro Plus की स्टारी मोड के दौरान। यहां पर आप जैसा देख सकते हैं कि स्टार्स जो है थोड़े बहुत विजिबल है, और देखते हैं कि फोन में किस तरह से दिखते हैं। और इसके लिए एक और चीज करनी पड़ेगी, अंधेरा करना पड़ेगा एकदम। तो गाइस, मैं वापस आ गया हूँ फोटोज कैप्चर करके। मैंने यहाँ पे 3-4 फोटोज कैप्चर करी, एंड सरप्राइजिंगली मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले Realme 9 Pro Plus के स्टारी मोड के थ्रू। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक इमेज ऑलरेडी ओपन हो रखी है, यहाँ पर एकदम अंधेरा था, और जो हल्की सी लाइट लीक आप होते हुए दिख रहे हैं इस पोर्शन के अंदर, ये एक्चुअल में स्ट्रीट लाइट है जो नीचे की तरफ जल रही है। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा था कि अगर आपको मैक्सिमम स्टार्स कैप्चर करने हैं तो उसके लिए आपको बाहर की तरफ जाना पड़ेगा सिटी से, जहां पर लाइट पोल्यूशन मिनिमम हो। बट स्टिल सरप्राइजिंगली यहां पर मेरी नेकेड आई से इतने ज्यादा स्टार्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन स्टारी मोड के बाद में काफी ज्यादा स्टार्स यहाँ पर विजिबल हैं, और एक्चुअल में वो स्टार्स काफी शार्प हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि 4 मिनट तक इमेज कैप्चर हो रही थी इसके अंदर, तो यहाँ पर जैसा आप देख भी सकते हैं नीचे से जो लाइट आ रही है, इसको इसने ओवर एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं किया, और मून भी एकदम सही है यहाँ पर हमारा, और साथ ही साथ जो स्टार्स है वो भी अच्छे खासे विजिबल हो रहे हैं। ये थी नॉर्मल मोड के अंदर इमेज।
और ये थी स्टारी मोड के अंदर इमेज, आप क्लियरली रिजल्ट देख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप देख रहे हैं इस फोन को फॉर द एस्ट्रो फोटोग्राफी सीन, तो गो फॉर इट, आप इसको यूज कर सकते हैं इसके स्टारी मोड को। ये जितनी भी इमेजेस मैंने आपको दिखाई सारी की सारी अनएडिटेड थी। इसके साथ साथ एक चीज मुझे इसमें कमी लगी कि अगर स्टारी मोड में हम लोग रो इमेज कैप्चर कर पाते तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती थी। आज के इस वीडियो को इतना रखते हैं, आप मुझे बताना कि नेक्स्ट मैं कौन सा मोड टेस्ट करूं रियलमी 9 प्रो प्लस का। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।